हे गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज हमारा वायनाड का T3 है। आज हम लोग वापस से सोचे थे कि सुबह सुबह उठ के हम लोग जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, बट हमारे ग्रुप के एक मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई तो हम लोग सुबह उठ नहीं पाए। उठ पाए थे लेकिन हम लोग गए नहीं। 12 o'clock। सो हम लोग अभी जा रहे हैं ट्रैकिंग वाली जगह पे, मतलब अभी ट्रैक तो नहीं करेंगे प्रॉपर, बट वहाँ पे जा रहे हैं, व्यू पॉइंट वगैरह वहाँ का देख कर आ जाएंगे। उसके बाद और भी 2-3 जगह हैं जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। सो इट्स गोना बी फन, लेट्स गो। ऑलराइट, तो कुड़ुम वाला कोटा हम लोग पहुँच चुके हैं एंड सब लोग ट्रैकिंग सुबह सुबह 4 बजे करते हैं सनराइज के पहले, और हम लोग दोपहर को कर रहे हैं। सबसे अलग करना चाहिए कुछ, है कि नहीं? We don't follow the crowd, crowd follows us. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of bounds. नजारे देखो, नजारे हम क्या देखें? क्या ही देखें? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे ये क्या देखें? क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस भागदौड़ की जिंदगी में अंशुमन थकना मना है भाई। चलो चलते, फिर भी थक तो रहे हम लोग। चलती का नाम दिल्ली। Several bad puns later. अंशु यार पीठ पे बैठा के ले चल यार प्लीज। ये देखो ऐसा है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते। ओ माय गॉड, इंसान खत्म हो जाते हैं। मैं खत्म हो जाऊंगा पक्का, मैं बता रहा हूँ। मैं वहाँ पहुंचते खत्म है। तो मजाक में हम लोग पूरा ट्रैक कर लिए और ऊपर पहुंच चुके हैं। आसमान की ऊंचाइयों में धूप ही धूप, व्यू बहुत बढ़िया। लेकिन तो फाइनली यहां पे 1-2 लाख फोटोग्राफ्स लेने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं वापस नीचे, और होपफुली नीचे जाना थोड़ा आसान होगा ऊपर आने से। अभी धूप, अभी धूप 2 सेकंड में वापस आ जाता है यार। कैसा लगा यहाँ? यहाँ पे अच्छा ही लगा। पहाड़ वाला जो है अभी, हाँ तो बोल रहा था कि अभी इतना सारा पहाड़ देख लिया। हाँ, पेड़ पौधा वाला तो अभी बोर हो गया। हाँ यार, पेड़ पौधा वाला पहाड़ और नहीं दिख रहा अब मेरे को ना। मन नहीं, मतलब जैसे ये बर्फ वाले पहाड़ जाओ या फिर वो चट्टान वाले जो पहाड़ नहीं होते, समझ रहे? तो वैसा जीवन में हम लोग देखते, मतलब अभी तक देखे बीचेस या बीचेस पेड़ पौधे वाले पहाड़। करेक्ट भाई। नेक्स्ट बता कोई बढ़िया जगह जहाँ इतना चढ़ना ना पड़े, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर चढ़ रहे हैं तो हम लोग पेड़ पौधा वाला पहाड़ ना हो, थोड़ा अलग पहाड़ चाहिए अपने को लाइफ में। या फिर सबसे मस्त ना वहाँ जा सकते हैं बे, ये नहीं वुहान जा सकते। नहीं वुहान नहीं जाना, वुहान नहीं जाना, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। देख बोल रहा था वुहान, मज्जा। अभी इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं एक इसके बाद तो फिलहाल लंच के लिए जाने वाले हैं। धीरज, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं अपन लंच के बाद? आइए आइए, थोड़ा आइए, अच्छे से बताइए सर क्या है, क्या है, क्या है? नेचुरली मेड डैम है तो अच्छा लगेगा। नेचुरली मेड है, इंसान ने नहीं बनाया उसको? नहीं भाई, कुदरत का करिश्मा, करिश्मा। ओ माय गॉड, चलो ठीक है, ओके, सी यू देयर। 20 minutes later. Alright, so हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बनसूरा सागर डैम पे। हम लोग खाना खाए, उसमें मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे और जल्दी जल्दी खा लिए, और वहाँ से बस 5 मिनट के रास्ते पे ही ये था। तो हम लोग यहाँ से अभी जो एंट्रेंस है, तो ये जो एंट्रेंस है यहाँ से और 1 किलोमीटर हम लोगों को चल के जाना पड़ेगा डैम के पास। सो हम लोगों ने वैन कर लिया है, ये यहाँ पे वैन अवेलेबल होता 20 rupees पर पर्सन के लिए। सो हम लोगों ने ये कर लिया क्योंकि चलने की बिल्कुल ताकत नहीं हमारे अंदर। वाह, इधर भी गार्डन सा बना रखा है इन लोगों ने यार, सही है। एंड डैम यहाँ पर है, अच्छा है यार ये डैम। इनफैक्ट हम लोग कल जो डैम गए थे उस डैम से काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये वाला डैम, मतलब मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये डैम की खासियत ये है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है एंड एशिया का 2nd largest डैम है। हवा सीरियसली बहुत बढ़िया है यार, मतलब ओहो, मतलब सुबह से जितना हम लोग थके हुए थे ना, सब एकदम सेट हो गया, एनर्जी वापस आ गई है ना अंशु। Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if
बाय बाय स्पीड बोट। और यार तो स्पीड बोट हमारा खत्म हो चुका है एंड ये सच में बहुत ही बेहतरीन था, है ना यार, मजा आ गया ना। मजा आ गया सच में, बहुत खतरनाक। और वो बीच बीच में हमारा जो ड्राइवर था ना उससे सीधा जा रहा और अचानक से ड्रिफ्ट कर देता था भाई साहब, को अलग ही लेवल मजा आया वो। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डैम पहुँच चुके हैं, आपने देखा ही होगा यहाँ पे बहुत खूबसूरत बना रखा है, मतलब डैम के एक साइड में पूरा पार्क वगैरह बनाया है जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जॉर्बिंग वगैरह स्पीड बोटिंग है जो हमने किया, वहाँ पे जिप लाइनिंग भी है, एक जिप लाइनिंग लेकिन अभी बंद है, एंड कायाकिंग भी है वो भी बंद है, पता नहीं ये लोग बंद क्यों रखते हैं हर चीज़ को। एंड वहाँ पे और भी कुछ कुछ फन एक्टिविटीज़ थे बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा है, तो आप वहाँ पे अगर आते हो तो ये सब एंजॉय कर सकते हो। तो राइट साइड में ये सब पार्क है और उसके लेफ्ट साइड में ये चीज़ है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन व्यू है, यहाँ पे भी आप एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग 3 दिन का अच्छा लगा है तो प्लीज़ तीनों वीडियोस देखिएगा 3 दिन का जो भी है। गाइस तो हम लोग फाइनली नीचे आ चुके हैं डैम से, ये हम लोग ऊपर गए थे यहाँ पर पूरा घूम रहे थे, ये इतना बड़ा सा डैम है एंड ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इंडिया का लार्जेस्ट अर्दन डैम है। और नीचे यहाँ पे वही सब छोटे छोटे चीज़ें हैं बच्चों के लिए, बमर कार्स हैं, हॉर्स राइडिंग है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं बच्चों के लिए। एंड अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट घर जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे एंड उसके बाद रात को हमारी बस है। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ट्रैवल ब्लॉग्स लेकर आता रहता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।